टका देगा ना बेटी का निकाह उहदे नाल कर देंगा। एक नौजवान ने मां कोल जिद की मैं ते जहर पी लांगा, वह कहणगी जहर ना पी, जदों तेरे अब्बा नूं दफनाया सी ना उहदे मूंह च एक टका पाया सी, जां कबर कबर जिहड़ी है वह पुट के कढ लिया, वह प्यो की कबर पुट के टका कढ के राजे नूं दित्ता। उहने आख्या मैं ते सोचिया मैं सारा धन इकट्ठा कर लिया, किसे कोल टका भी नहीं रहिण दित्ता, तूं लिया कित्थों है? उहने आख्या जी अब्बा की खबर मां ने दस्सिया सी। उहने आख्या पुटो कबरां, सारियां च टका टका लब्भेगा, कबरां पटवा दित्तियां। पागलपन होर की है, कदी कदी बंदा धन इकट्ठा करने लई पागलपन दे कगार तक पहुंच जांदा है, पर नाम बाणी दे अभ्यास वल्लों उक्का ही ओह कोरा हुंदा है। और प्रबल इन्नी है, गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने, महाराज कृपा करन असी केवल गल्लां करन सुन तक सीमित ना रह जाइए, वह रहमत करके तरस करके सानू इहदी लपेट तो चपेट तो बचा लै। हालांकि गुजरान वास्ते ये जरूरी, जिथे एक पाखे दे तो बचन लई कहा उत्थे दूजा पाखे भी है। ग्रह शोभा जां कह रे नाहीं आवत पहिया खुदे जाही, पहिया घूमदा है ना, ते मेहमान नूं भी पहिया कहा गया गुरबाणी च। पहिया दे अर्थ मेहमान कीते गए, गैस्ट कीते गए। भगत कबीर साहब महाराज कहिंदे ने जिस घर विच माया नहीं, पदार्थ नहीं, रिजक नहीं, घर विच आया प्रौणा वो बिल्कुल सुचे मूँह वापस चला जाएगा। ना जल, ना पानी, ना पदार्थ, ना कोई प्रशादा, ना कोई होर पदार्थ, वो तां असी उहदी खिदमत करांगे जे घर विच कुछ है, ते जे है ही नहीं ते उहदी खिदमत कित्थों करांगे, उहदी मेज़बानी कित्थों करांगे। इस वास्ते धन दा होना जरूरी है गुजरान वास्ते, पर जदों एक पासड़ जिंदगी हो जाए फिर दूजा पाक कमज़ोर हो जाता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा सां बड़ी ताकतवर है, बड़ी शक्तिशाली है, एकाग्रता की दात बख्शो जी। शक्तिशाली इतनी है बई बाणीकारा ने सानू समझाण लई, इहदा मतलब ये नहीं हथियार सट्टदे ने, वो कहिंदे ने भी इहदे तो बचना है, पर एक गल समझ लै, प्रपेयर हो जा, ताकतवर बड़ी है। सधारण बंदे की गल छड़ कहिंदिया कवांदिया नू अपने उंगलों के पोटियां ते नचांदी है कौन? माया। फिर आप जी ने उदाहरण दित्तियां, सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, सरपनी सपनी, सपनी तो सेंस की है माया, माया तो सेंस की है करंसी कली नहीं, ये माया जे तहार विसरै। सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, बल वाला कोई अकाल पुरख नू छड़ के ना सात संगत होर, फिर अकाल पुरख स्वरूप गुरुआं नू छड़ के होर कोई माया जिन्ना ताकतवर नहीं, भाव माया बहुत ज्यादा ताकतवर है, कहण तो मुराद ये है। सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, कह लगे जी किन्नी कु बलिया है, किन्ने कु ताकतवर है, सत्संग ध्यान दे आ जे। कह लगे जिन ब्रह्मा गुप्त रूप च वाहिगुरु कहो, जिन ब्रह्मा बिशन महादेव शलिया, ब्रह्मा जी विष्णु जी ते मां दे कहिंदे ने भोलेनाथ नूं, उहनूं शिव भी कहिंदे ने, शिव जी। हालांकि तुसी रोज़ पढ़दे हो भी उत्थे महाराज इशारे मात्रे कहिंदे भी नहीं, ये शिव शिव ये नहीं गा। मां देव को कह सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव, शिव ते ओ है जिहड़ी सुप्रीम पावर, ये शिव थोड़ा, इहनूं भोला कह लो, इहनूं कोई होर नां नाल बुला लो, शिव ये नहीं, शिव अकाल पुरख है। यही कारण है ना भी कुछ शंके भी दे शिवा बार मोहे ये है शुभ करमन ते कब गुरु गोबिंद सिंह शिव जी नू किवें कह सकते, नहीं गुरमुखो वो कह शिव जी नू रहे ने, पर साडा शिव जी हो रहे उन्हां दा शिव जी हो रहे, असी होर नू शिव जी समझी बैठे हैं, वो उस सुप्रीम पावर नू शिव कहिंदे ने, ते फिर उन्हूं कहिंदे ने दे शिवा बार मोह है यह है शुभ करमन ते कब हूं ना टरो ना डरो अरस्यो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। खैर तो सत्संगत मैं बेनती कर रहा सा, सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बिशन महादेव शलिया, बड़ी ताकत वारे इन्हें ब्रह्मा वर्गे विष्णु वर्गे भोलेनाथ वर्गिया नू छल लिया सात संगत, मार मार सरपनी
निर्मल जल पैठी उचेचा ध्यान दिया जी शब्द असी कई बार पढ़ने अर्थ पता ना होने करके लुत्फ नहीं आता। मार मार सरपणी दे अर्थ ने माया रूपी सरपणी ना मारो मार कर दी फिर दी पता नहीं सवेर तो शाम तक किन्या नू आत्मक मौते मार दें दी पर पता नहीं लग देखो शरीरक मौत होवे ना ते तारा खड़क जांदियां आत्मक मौत साढ़े कोल बैठिया किसी की होवे ते कानो कान खबर नहीं होंदी खबर नहीं होंदी पर बड़िया नू आत्मक मौते मार दी कौन माया मार मार सरपनी माया रूपी सरपनी मारो मार करती रहिंदी है बड़ी दौड़ भज करती है निर्मल जल पैठी निर्मल जल विच आके शांत हो जाती केड़ा निर्मल जल नाम बाणी दे फुहारे संगत विच आके इहदी पेशकश नहीं जाती बंदा कलपिया है दुखी है हाए पैसा संगत विच वड्डे तो वड्डा मायाधारी बह जाए बहुत ज्यादा काम विगड़ जाए तो मैं नहीं कह सकता घड़ी पल लई उहनूं भी चैन आ जाता है मन टिक जाता है उपरामता आ जाती गुप्त रूप च वाहगुरु आखो डिस्टर्बेंस होंदी है मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभवन डसी अले गुरप्रसाद डीठी त्रिभवन दे अर्थ ने तीन भवन सेंसे सारा ब्रह्मांड जिस माया ने सारे ब्रह्मांड नू डस लिया गुरप्रसाद डीठी गुरु की कृपा नाल मैं वेख ली दुश्मन बल नाल भी मारदा है दुश्मन छल नाल भी मारदा है बाणी का वचन है माया बल नाल भी मार दी है माया छल नाल भी मार दी है भगत कबीर साहब कहिंदे ने जदों ने बल वरत्या ना मेरा कुछ ना बिगाड़ सकी फिर उन्हें छल वरत्या भेस बदल के मेरे को आना चाहिया भी कबीर दे उत्ते वार करा ते जदों भेस बदल के आई मैं कोना सियानी गुरु ने फिर मैनू हुज मार के आख्या कबीर माया ही आ भेस बदल के आई आ कबीर आई मुझे पै अनक करे कर भेस भेस बदल बदल के आई हम राखे गुर अपने उन कीनो आदेश मैनू मेरे गुरु ने फिर बचा लिया तो जान लगी मथा टेक गई कह लगी कबीर मेरे सामने कोई अड़िया नहीं और तेरे ते मेरी कोई पेश नहीं जाती जिन त्रिभवन डसीअले गुर प्रसाद डीठी सरपनी सरपनी क्या कहो पाई वो की माया माया दा रौला पाया जे सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई बैरूनी दुनिया तुसी वेखो सप तो असी तुसी सारे डरने ये डस जाए तो इस तरह का रिएक्शन हुंदा भी खून चटपट पानी बन जाता है और बंदे की डैथ हो जाती पर मैं अपनिया अखां नाल सपेरिया नूं वेख्या है वह सप पकड़ दे खुडां च पानी पा पा के बाहर कढ दे थोड़ा जिहा सिरी वाले पास्यों थोड़ा जिहा पूछ वाले पास्यों वढ के उत्थे ही अग बाल के भुन के सारे सामने खा जांदे हकीकत खा जांदे उहनां कोल उहनां नूं पता है भी जहर कित्थे कित्थे है दुआ सिरियां ते जहर कित्थे है किहड़ी चीज़ इहदे च छड्डण वाली है किहड़ी खाण वाली खा जांदे माया दी सानूं समझ नहीं आई माया खाण वाली चीज़ है माया भोगण वाली चीज़ है जहर की है खीसे च पा के ठेके ते खड़े हाँ अरिस्टोक्रैट दी दे जिदे ते देवगण दी फोटो है ना वह दे सानू अजय देवगण दी फोटो जिदे ते उहदा बड़ा नशा है ये की है ये माया जहर मार रही है डस मार रही है रुपये लै के बंदा गुरुद्वारे गुरुद्वारा साहब के दफ्तर मैनेजर के टेबल के सामने खड़ा जी आ अखंड पाठ साहब की किन्नी भेटा है अदास ने श्री अखंड पाठ साहब करवाना है सहज पाठ साहब करवाना है कर कीर्तन कथा संगत का लंगर लाना है आ जी बिल्डिंग बन रही है इटा बजरी रेते ली माया ये की है ये साधु उपयोग है माया का यह साधु उपयोग है दुरउपयोग की है ये नशे करने मैं खिमा करना विषय वकार भोगने ये माया डंग मार रही होंगी सानू पता नहीं लगता मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभवन डसी लिए गुर प्रसाद डीठी सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछाण्या तिन सरपनी खाई सरपनी ते छूछ आन नहीं अवरा कोई थां खाली नहीं हर मन रूपी जगह ते माया बैठी है हर बंदा सवेर तो शाम जन्म तो मौत तक इको गल माया मनो ना विसरै मंग है दमा दम हर दम नाल डिमांड है पिछली डिमांड पूरी नहीं होंगी
अगली डिमांड फिर सामने रखी होंगी। डिमांडा मुकदियां नहीं, असी मुक जाने हाँ, डिमांडा नहीं मुकदियां। महाराज कहते जन साच पुछाने तन सरपनी खाई, सरपनी सरपनी क्या कहो भाई, सरपनी ते छू छान नहीं अवरा, सरपनी जीती क्या करे जमरा। फिर यह भी कहते ने ए बस्ती तो बस्त शरीरा, जदों तक माया चित विच वसदी है आत्मा नू शरीर धार के गर्भ विच आना पएगा। इसे नू भगत कबीर साहब कहते ने भी एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दह आर गर्भ बसेरा। मन मुख काल व्यापदा मोह माया लागे, आत्मक मौत का कारण लभो उहदा निवारण करो ते बचो। कारण की है, गुजरान वास्ते माया माड़ी नहीं, जायज ढंग नाल ज्यादा कट्ठी कर लैनी भी माड़ी नहीं, पर उहदा साधु उपयोग होवे, वो चंगे पासे लगे। मायाधारी बन के जीवन का प्रयोजन ना भुले, विषय वकारां च मनुख खचत ना होवे, नशियां च खचत ना होवे, भैड़ी संगत च खचत ना होवे, लाइफ स्टाइल गुरमत अनुसार ही रवे, ते माया होवे भी ते उहदे च कोई हर्ज नहीं गा, होनी चाहिए इसे कोल, तां ही चंगे काम करेगा। पर जदों माया नू प्राप्त करके वह पटक जाता है फिर वह आत्मक मौत मरता है। एक शब्द होर ये संबंध च अमृत बाणी चो आप जी की नज़र करा, जदों ये आउंदी है तो दिमाग किवें खराब कर दी बंदा, फिर बंदे का खान पान रहन सहन सब बदल जाता है। देखो लिविंग स्टैंडर्ड अपना मेनटेन करना माड़ी गल नहीं, भी घर वड्डा बना लेना, सोहना बना लेना, सवारी चंगी, कोई बुरी गल नहीं जायज ढंग नाल, पर कुछ गल्लां होर इस तरह दियां एंटर हो जांदियां जिहड़ियां होणियां नहीं चाहीदियां। कि महाराज कहिंदे ने इकत पत्तर पर उरकट कुरकट, इकत पत्तर पर पाणी, आस पास पंच जोगियां बैठी बीच नकट दे राणी। रिन के मीट एक भांडे चो पा लिया, इकत पत्तर पात्र भांडा, उरकट कुरकट रिझा होया कुकड़ दा मास, ब्रैलर ना लियावी देसी लियावी, इकत पत्तर पर उरकट कुरकट, उरकट कुरकट मैंने रिझा होया कुकड़ दा मास, ते इकत पत्तर पर पानी कोल जग च जां बोतल भरी पानी दी शराब दी ओ भी रख ले, विचकार दोवें चीजां रख लईआं, भोएं ते कहिंदे आसन ला लो जरा वधिया रहिंदा, ते आले दुआले गोलदारा बना के बैठ गए चार पांच छे सत जणे, आस पास पंच जोगियां बैठी आले दुआले गोलदारा बना के बैठ के, बीच नकट दे राणी, ये जड़ा विच समान पिया है ना, भगत कबीर साहब कहिंदे यही माया। माया केवल करंसी नहीं, किते शराब माया बन जांदा, किते पुत्र माया बन जांदा, पदार्थ माया बन जांदे, कार कोठी माया बन जांदी, रूप बदलदी अन करे कर पेस। बीच नकट दे राणी नकटी को ठानगन बाडा ढों, तबला वजांदे ना गुरमुख प्यारे कदी कदी ढों ढों दी आवाज आउंदी आउंदी है ना, इस तरह माया दी ढों ढों दी जिहड़ा तबला वज रहा ढोल वज रहा चार छफेरों आवाज आ रही है, माया दा ही ते ढोल सारा वज रहा। नकटी को ठनगन बाडा ढों किने बबेकी काटी तो, किसे विरले बबेकी ने, बबेकी किनू कहिंदे, जो साडे कोश विच उहदे अर्थ ने। वैसे तो चलो कुछ गुरमुख प्यारे जिहड़े नाम बाणी का अभ्यास भी करते ने, कुछ सुचमता वाला भी पक्ष रखते ने, उन्हां वास्ते भी बबेकी शब्द वरत्या जाण लग पिया, पर उंज बबेकी दे अर्थ करन लग्यां इहदा संधि छेद करना पएगा। बिब जमा एक, एक मैंने एक, बिब मैंने दो, दो एक, दू विचों एक दी विचार के, चंगे ते मंदे दी विचार करन वाला, नेकी ते बदी दी पड़चोल करन वाला, बबेकी की करना है की नहीं करना वह बबेकी है। किने बबेकी काटी तू, किसे विरले बबेकी ने तेनू कटिया, नहीं तो तू सारियां नू कट गई। सगल मां है नकटी का बासा, सगल मार आओ हेरी, ये जड़ी माया है दा सारियां ची वासा है, सारियां तो सेंस की है ज्यादातर। कोटन मैं नानक को नारायण जे चीत, करोड़ां चो एक, करोड़ चो एक नहीं, कई करोड़ां चो एक, मतलब बहुत घट जिन्हां दे चेत च नारायण है, बाकियां दे चेत च की है माया पदार्थ
विषय वकार। सगल माह नकटी का बासा सगल मार सारिया नू आत्मक मौते मार के अहेरी चंगी तरह वेंदी। जिन्हां दी दुश्मनी ना थड़े बहिंदे ते थड़े बह के मारना है ते फिर दूजा कहिंदा भी ये औतरा बड़ा है दलेर बड़ा है। जे ये बच गया ना हुण वी ते ये फिर जख्मी शेर वाली गल होनी है। इहनू चंगी तरह नबज वेखो नक दे कोल हाथ ला के वेखो जिथे दो गोलियां मारियां ने दो कारतूश होर सही दो होर मार दिओ बचना नहीं चाहीदा परत के फिर गेड़ा मार के चंगी तरह मार दे। इस तरह माया आत्मक मौते मार के ना एक रहा फिर ठुडा मार के वेंदी है भी कुछ साहब बाकी तो नहीं बचा बचा तो दो रन ठों ठों होर कर दें पूरी तरह ने इस तो नाबूद कर दें मुकम्बल आत्मक मौत सगल मार अहेरी। वाहगुरु एकाग्रता की दात बख्शा करो जी। कह लगे सगलिया सारियां दे विच नकटी दा वासा है ते सगल मार अहेरी सगलिया की हों बहन बाण जी। ये माया आंदी है मैं सारियां दी भैण हाँ मैं सारियां दी भनेवी हाँ। बंदा किन्ना ही कठोर होवे ना भैण आके कोल बह जाए नरम हो जाता है भनेवी आके कोल बह जाए ये रिश्ता इस तरह का है। बड़ा बच्चों ये चाह हों भी असी नानके जाना है क्यों चाह है क्योंकि वह लाड़ लड़ाते ने यह मेरा भनेवा है ये मेरी भनेवी है। उन्हां दीयां गलतियां भी नज़रअंदाज कीतियां जांदियां। तो कहिंदे जिस तरह बंदा अपनी भैन का सत्कार करता है भैन के बच्चों नू प्यार करता है माया कहिंदी मैनू तो सारे इस तरह प्यार करते ने मैनू तो सारे ही अपने घर में रख के राजी ने। सगलियां की हो बहन बाण जी जिन्हें बरी ते सचेरी हमरो भरता बड़ो बिबेकी। पति नहीं मेरा कोई बन सकता मेरा मामा कोई बन सकता मेरा भरा कोई बन सकता मेरा पति नहीं कोई बन सकता पति मेरा कोई विरला बन सकता। हमरो भरता बड़ो बिबेकी आपे संत कहावे जिन्हों लोग संत जी कह के बुलाते हैं गुरमुख प्यारे कह के बुलाते हैं वो मेरा पति है बाकी सारे मेरे मामे ते भरा ही ने किसी मैं पति नहीं अपना बन देती। भैन तो बन जानी हाँ लोगों की पनेवी तो बन जानी हाँ पत्नी नहीं बनती पत्नी वो दी हाँ जिहड़ा बहुत वड्डा बिबेकी है जिन्हों लोग संत कह के बुलाते। किहड़ा संत सिर्फ लम्मा झग्गा पाया हो नहीं जिन्हां सास ग्रास ना विसरै हर नामा मन मंत धन सो सोई नानका पूरन सोई संत। हमरो भरता बड़ो बिबेकी आपे संत कहावे ओ हमारे माथे कायम ओ मैनू मेरे सिर दे उत्ते कायम हुंदा है ओ मैनू केसां तो पकड़ के काबू करदा है ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे होर कोई मेरे नेड़े नहीं टोक सकता। नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी ये अर्थ थोड़े समझिया। माया दा नक ते माया दा कन गुरमुख प्यारे दोवें कट देंदे ने जिवें सरूप नखा दा नक लक्ष्मण ने कट्टिया सी ना इस तरह माया दा सब कन नक कट दे। किवें थोड़ा जिहा उचेचा समझिया जी असी समाज में जो कुछ करने जां ते नक लई नक रखण लई करने आ इन थोड़ा जिहा समझ लो। घर दे विच बच्ची दा विआह अफोर्ड नहीं कर सकते बैंकोट हाल महंगा नहीं अफोर्ड कर सकते मैरिज पैलेस पर कहिंदे नक नहीं रहना। वेखो जी कोई नहीं करजा हौली हौली लै जाएगा तो चंगा बैंकोट हाल कर लईए मैरिज पैलेस महंगा कर लईए। फिर गल कार ते आ गई हुण मरूती कौन देंदा है जी हौली 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 करद्या करद्या चार लाख वाली चार तो पांच छे सत्त हौली हौली दस लाख ते गल पहुँच गई। दस लाख की कार लैके बैंकोट हाल च खिलारी उत्ते फुलकारी पाई तरह तरह के मठियाइया सब्जियां भाजियां जिवें पशुआं लई खुरलियां भरिया होंदियां ना पठियां दियां उत्थों तक भर के सारिया हुण लोग खा रहे ने पी रहे ने कन्नां नूं बोले करन वाला संगीत चल रहा है रौला रप्पा चार छफेरे ते फिर चार पांच मन चले जाए उस कार कोल खड़े ने वह कहिंदा भी ये माडल इस तरह का है इहदी एवरेज इन्नी है फलानी कंपनी ने आओ तारी। नक वास्ते सारा कुछ किया कार बैंकोट हाल मठियाइयां सब्जियां नक रखण वास्ते किया ते हुण कन्न दे के सुनदा है भी ये मेरी करतूत बारे जिहड़े कार कोल खड़े ने बैंकोट हाल च पदार्थ खा रहे ने ये की कहिंदे होणे ने बड़ी वधिया कार है कहिंदे होणे प्रबंध बड़ा वधिया
ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੈ ਡਾਰੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ ਅਤੇ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕੋ ਵਾਰਾਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁੱਖ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ, ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਮੁੱਖ ਕਾਲ ਵਿਆਪ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵਿਆਪ ਗਿਆ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਮਾਰ ਪਛਾੜ ਸੀ, ਖਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਏ ਦੂਜੇ ਠਾਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੀ ਲੀਏ ਤੋ ਬੱਚੋਂ ਪੇ ਨੂਰ ਸਾ ਬਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਲੀਏ ਤੋ ਬੱਚੋਂ ਪੇ ਨੂਰ ਸਾ ਬਰਸਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੇ ਤੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਾਜਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਰੂਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਾੜ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾੜੀਦਾ। ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਧੋਖੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹਰ ਹਾਂ, ਉਡਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਦੇ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਮੈਨ ਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੁਗਤਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਣ ਲੁਟਾਵੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਪਟ ਨਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਨ ਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈਲੀ ਜੈ, ਅੰਤਨੀ ਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈਲੀ ਜੈ, ਅੰਤਨ ਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈਲੀ ਜੈ, ਅੰਤਨੀ ਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈਲੀ ਜੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛਿਜੈ, ਹਰ ਛਿਨ ਤਨ ਛਿਜ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੀਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ,
हल पल मौत इनू अपने वाल कसीट ली। सानू लगता भी कुछ बदल नहीं रहा पर सब कुछ बदल रहा। एक थां ते हजूर गुरु अर्जन साहब के बचन ने अमृत बाणी च मर्ज कहिंदे ने वगदे हुए दरिया वगदी हुई नहर के किनारे ते खड़े होईए ना सानू लगता कुछ नहीं बदल क्योंकि पानी कोलों लंघ ते रहा है पर पिछों उस तरह का पानी उन्नी मकदार च होर आ रहा है तल उत्थे ही रहिंदा है इस करके सानू लगता कुछ नहीं बदल रहा। पर वो कहिंदे भी जिस नदी के किनारे ते तू आके खड़ा होया से ना अद्धा घंटा पहला वो तो यात्रा करके बहुत अगे लंघ गई ये होर नदी है। जिस तरह पानी कोलों लंघता है पता नहीं लगता इस तरह श्वासों का काफिला साढ़े कोलों गुजर रहा है पर सानू खबर नहीं हो रही। बहती जात कदे दृष्ट ना तारत मिथ्या मोह बंद है नित पारत झूठे बन नू बनते रहने पर श्वासों का कारवा लगातार मनफी हो रहा है लगातार घट रहा है लगातार माइनस हो रहा है फिक्र ही कोई नहीं। बैंक बैलेंस घटे तो फिक्र है श्वास घटन से कोई फिक्र नहीं बड़ी विडंबना है मनुख की। छिन छिन तन छीजे जो दिन आवै सो दिन जाही करना कूच रहन थिर नाही संग चलत है। नहर पार करो दो शमशान घाट ने सवेर तो शाम तक वारी नहीं आती पहली चिखा ठंडी नहीं होंगी दूजी दियां लकड़ां जड़ियां ने धनक जोड़नियां शुरू भी कर देंदा संग चलत है संग चलया जा रहा है पूरां दे पूर आ रहे ने पूरां दे पूर जा रहे ने पर असी घोड़े वेच के सुते हुए हैं असी तो जाना ही कोई नहीं गा नहीं। संग चलत है हम भी चलना किथे चलना दूर गवन सिर ऊपर मरना मौत सिर दे उत्ते कूक रही इसलिए खबरदार हो सचेत हो। छिन छिन तन छीजे जरा जनावे तब तेरी ओक ओक इनू कहिंदे ए जिहड़ा हाथ है इस हाथ नूं इउं बर्तन नूं बना के नाल ला लेना और उत्तों कोई पानी पा इनू कहिंदे जी ओक। तब तेरी ओक चांदी का बर्तन सोने का बर्तन स्टील का गिलास ओदी गल छड तू ओक बनाए ना भी पुत पाई पानी थोड़ा जिहा उन्हें कहना आपे पी लै मेरे को इन्ना टाइम नहीं गा तेरी ओक च इन्ना पानी नहीं पाना जिन्हां लई पाप करना है उन्होंने नाल नहीं जाना। छिन छिन तन छीजे जरा जनावे तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावे। इस वास्ते गुजरान वास्ते माया लाजमी है पर एक गल का चेता रख भी जिथे संसार विच गैरत अणख नाल जिंदगी बशर करन लई धन जरूरी है उत्थे निरंकार दे दरबार विच भी आदर पाने लई नाम तन बड़ा लाजमी बैलेंस बना के रख इस तन का भी ते उस तन का जे ना बनाया एक पासड़ हो गया ते फिर बाणीकारा ने कह देना काचा धन संचय मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध अंधार बिख्या कह तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त हो। जिन्ना प्राप्त करना चाहते उन्ना प्राप्त नहीं हुंदा और जिन्ना को प्राप्त हुंदा नाल जान लग्या नाल कोई नहीं निभदा। इस वास्ते हजूर खबरदार करदे ने खिन मैं मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे तू ते लोकां नू ठगना है ते फकर करना भी मैं ठगी च बड़ा माहर हाँ असल विच माया तेनू ठग रही है माया तेनू ठग रही है तू कहना मैं लोकां नू ठगना ये ठीक है भी कुछ लोगों तू ठग लिया पर असल विच माया ने तेनू ठगिया तेरे जीवन का पद्धर थले लैन का लाइफ स्टाइल तेरा वो बेड़ा गर्क कर दिता। फिर वेला हाथ ना आवे फिर एक स्टेज आउंदी है जदों बंदा थोड़ा जिहा पछतांदा भी है बिल्कुल अंतम समय जाके मौत सामने दिसदी है और जिन्हां लई कीता हुंदा वात नहीं पुछदे फिर कहिंदा ओहो ते गलती कर बैठा फिर वेला हाथ ना आवी फिर वह बीत्या होया वक्त हाथ विच नहीं हुंदा रही वास्ते कत समय ने एक ना मनी भाई वीर सिंह रही वास्ते कत समय ने एक ना मनी फाड़ फाड़ रही तरीक समय खसकाई कन्नी ओ तिखे अपने वेग गया टप बनो बनी मैं किवें ना सकी रोक अटक जो पाई पन्नी हो संभल संभाल इस समय नू ए समा उडंदा जामदा ये ठहरन जाच ना जानदा लंघ गया ना मुड़ के आउंदा दिन ते पैर पैर ते करियां आव कटे तन छीजे और काल अहेरी फिरे बदक ज्यो कहो कवन बिद कीजे सो दिन आवन लागा वो दिन नेड़े आ रहे है।
फिर वेला हाथ ना आवे, वो वेला परत के हाथ नहीं आता। गुरु अमरदास महाराज खबरदार कर रहे ने, ते कह रहे ने जम का डंड लग गए। साकत हारा साध ना जाने आ, तिन अंतर होमे कंडा हे, ज्यों ज्यों चले समाज विच विचरदा है। इन्हें सासरीकार नहीं बुलाई, फतेह पहला नहीं बुलाई, फुलां दा हार लैके नहीं आया, वधिया पदार्थ नहीं मेरे लिए बनाए, अंदरों हंकार दा कंडा चुभदा है। जिन्ना मेरा सत्कार होना चाहिदा सी ओना नहीं होया। ज्यों ज्यों चलना है साकत, जिवें जिवें विचरदे ने समाज च, हंकार दा कंडा अंदरों चुभदा है, चुभ है, दुख पावे ते दुख पाते रहिंदे ने सारी उम्र। अंत नूं की हुंदा है, जम काल सहे सिर डंडा है। दूजे पासे हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भाव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ, खंड ब्रह्मंडा है, खंडा ब्रह्मंडा विच ओदी शोभा हुंदी है। फिर वेला हाथ ना आवी, जम का डंड लग गया, तीन जम डंड ना लग गई, जो हार लिव जागे। जेड़े हरी दे विच अपनी लिव जोड़ते ने, सुरत जोड़ते ने, नाम जपते ने, उन्होंने जमा का डंडा नहीं लगता। इनू थोड़ा जा समझ लो, समा तो समाप्त है। मौत गुरमुख की भी आती है, मौत मनमुख की भी आती है। बिल्ली का दृष्टांत दिता महाराज ने बाणी च, चूहे का, बिल्ली का बारे बच्चे बुढ़े भाव स्पष्ट, तरुणे जवान। साड़ी जड़ी धार्मिक इन्फेंट्री है ना, निहंग सिंह जथेबंदियां, हुण ते कुछ विच मेरे वर्गे भैड़े अंसर आ गए, बदनाम होण करके असीं उन्हां नूं नज़रअंदाज कर दिता। वरना बड़ी बेनज़ीर कौम है सिखां दी। हुण लिखना पै रहा भी इत्थे धूम्रपान करना अपराध है, इत्थे इदां है, इत्थे उदां है। ते कोई जमाना हुंदा सी वी किते टावां टाला निहंग सिंह ते जिन्हां बीड़ियां बाजार चलाईआं उहनां चटपट थल्ले सुट के पैर नाल मसल देणी, ते जे इस तरह ना होना निहंग सिंह दी निगाह पै जाणी, किसे बीड़ी पींदे होना उह दुष्टा खोती चौंघणा उहनां चटपट थल्ले सुट देणी। हुण असीं इक पठ्ठिआं दी पंड देण तों वी उहनां नूं कतराने आ, हौली हौली सहजे सहजे आहिस्ता आहिस्ता इह बेनज़ीर कौम जिहड़ी है इहने इस तों नाबूत हो रही। जदों इह चढ़दी कला सी, दो विंग सन, इक बुढ़ा दल इक तरना दल। बुढ़ा दल 40 साल तो उपर, यह नहीं भी 15, 16, 18, 20 साल का मुंडा आखे जी मैं ग्रंथी की ड्यूटी, उन्हें आखना तू ग्रंथी ड्यूटी क्यों करेगा, तू आ घोड़ा लै तो तलवार लै, तू लड़, ग्रंथी की ड्यूटी तेनों देंगे जो 40 साल तो उत्ते हो जाएगा, क्योंकि उदों थोड़ा जहा शरीर घटना शुरू हो जाता है, उदों धार्मिक सेवा। अजे तेनों इन्फेंट्री वाल भेजांगे, उन्हें तरना दल कहिंदे। तरना तो मुराद हुंदा जवान, एक जवानों का दल, एक बुढ़िया दल, 40 तक जवान, 40 अबव उन्होंने फिर वो दूसरे च गिन लेंदे सन। बारे बुढ़े तरुणे भैया, बच्चे बजुर्ग ते जवान, सब हूं जम लै जाई है रे, जम सारिया नू लै जांदा है। पर अगों एक्सप्लेन कीता है, मानस बपुरा मूसा कीनो, मनुख बेचारा मानो चूहा है, ते मीच बलैया बिल्ली रूपी मौत उन्हों खा जाती। हुण इहनू समझो, बिल्ली नू वेख के चूहे दे पसीने छुट जा, नैन प्रैन काम करना, क्योंकि उन्हों पता है भी हुण मैं बच नहीं सकता, ये शिकार च इन्नी मार है भी मैनू इन्होंने भजन नहीं देना, और वह दहशत ही उन्हों मार जाती। हो सकता कि भज के निकल भी जाता, पर वह दहशत मार जाती, फिर वह जबाड़ा दल मल के रगड़ रुगड़ के निकल जाता। बिल्ली का जबाड़ा चूहे वास्ते मौत का कारण है, पर कदी कदी उस जबाड़े विच बिल्ली ने अपने बलूंगड़े नूं घुट के फड़िया हुंदा है। वेखण वाला त्रभक के कहिंदा है बिल्ली अज अपने बच्चे नूं खाएगी, फिर वह पिछा करदा है ते पांदा है भी नहीं, असल च जिथे बिल्ली ने बच्चे दिते सन गर्मी सर्दी का खतरा सी, दुश्मन का खतरा सी, उन्हां नूं महफूज जगह ते लियाउण वास्ते अपने जबाड़े च पकड़ के मकानां दीआं छत्तां मनेरियां तो त्रक्कां मारदी मारदी इत्थे लियाईए। हुण वह महफूज ने, हुण वह मरनगे नहीं, हुण लंबी जिंदगी जिउण दे। चूहे वास्ते उही जबाड़ा मौत का कारण है, बिल्ली दे बलूंगड़े वास्ते उही जबाड़ा जिंदगी का कारण है। यही मौत मनमुख नूं दुखी करके अगलिया जूनां च पा देंदी है, और यही मौत सिख नूं ट्रांसफर करके संसार तो निरंकार दे चरणा विच पचा देंदी। इन्ना को फर्क है, मौत गुरमुख नूं भी आउंदी है, मौत मनमुख नूं भी आउंदी है। तीन जम डंड ना लग गई, किन जम डंड ना लग गई,
जो हारले वजागे जेड़े जागते रेंदे ने सौंदे नहीं। संगत विच लोग बैठे है, संगत बैठी हुई तो सतगुरु कह रहे सन आओ बाणी पढ़िए। महाराज ने पंक्ति पढ़ाई तो पंक्ति सी जागो जागो सुते हो। सिख कहिंदा सच्चे पातशाह असीं ते जाग रहे हैं। वह कहणगे शरीरक जाग जाग रहे हो, गाफलता की नींद सुते हो, इस करके कह रहे हैं जागो जागो सुते हो। अखां सुतियां ने पराया रूप तक तक के, कन्न निंदा सुन सुन के, रसना लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्मार। मैं इस सौण की तो इस जागण की गल करना, जागण सवना बहुत प्रकार है, ये भी कई तरह का। उल्लू भी जागद, रात को ड्राइवर भी जागते हैं, चोर भी जागते हैं, उन्हों का जागना प्रवान नहीं। जागना जागण नीका हर कीर्तन में जागना, हरी जस में जागना प्रवान है। काफलता की नींद चो बहर आना प्रवान है। जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छडावनी, हे वाहगुरु भावें कोई मनमुखे भावें कोई गुरमुखे, अखीर च महाराज गुरु अमरदास कहिंदे सारे तेरे ही ने और तू ही सानू छडाना है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे कितें मैनू लए छडाई, सब तेरी तुद छडावनी, सब तुद है लागे, हे वाहगुरु असी सारे तेरे नाल ही जुड़े हाँ, असी सारे तेरे हाँ, नानक करके गोले हाँ, चंगे हाँ बुरे हाँ तेरे हाँ। असी ये अरदास करिए भी जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार, जित द्वारे उभरे तित्ते ले हो उबार। आओ समाप्ति करिए, ते एक वारी करो कृपा ते आखो जी जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा अपनी कृपा तार, 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 जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख, जगत जलंदा रख ले। इनिया बेनतियां प्रवान करनिया जी, होइया भुलां गलतियां की मुआफ़ी करनी। हुण गुरद्वारा साहब दे हजूरी रागी गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई साहिब सिंह हुणा जी दे जत्थे तो गुरबाणी दे मनोर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त करो जी। अंत गुरु फतेह की सांझ करते हुए सेवादार नूं आग्या दिओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।